हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माय नेम इज आयुष प्रताप सिंह. आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी अड्डा 95 एंड आई एम योर कंप्यूटर फैकल्टी. आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिपल सी. बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि सर इसका पेपर कब आएगा, कौन ऑर्गेनाइजेशन कराता है, वैलिड होगा या नहीं होगा. तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस को क्लब करके हमने एक जो है आपके लिए पूरा सोल्यूशन लिस्ट बनाई है और उसी को आज हम जो है आपके सामने यहाँ पे बात करने जा रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले ट्रिपल सी का फुल फॉर्म, ट्रिपल सी होता क्या है? सबसे पहले ट्रिपल सी का फुल फॉर्म दैट इज कोर्स फॉर कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स. मेन इसका मोटिव क्या है? कंप्यूटर की बेसिक साक्षरता, जो ऐसे लेमैन जिनको कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं जानते, उनको एक ऐसा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना जिसको वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी पीएसयू, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ये शो करके ये बता सके कि वो कंप्यूटर के आईटी नॉलेज को के जो इनको कंप्यूटर की आईटी नॉलेज के बारे में क्या है. ठीक है, तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि ये कहाँ कहाँ वैलिड है, तो भाई आप कोई भी इसको एज अ सब्जेक्ट मत समझिए. ठीक है, सिर्फ एक कोर्स की तरह इसको मत समझिए. ये पूरा जो है एक पैकेज है जिसमें आप जो है कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स भी देख सकते हैं. अगर मैं इसकी बात करूं तो सिर्फ ट्रिपल सी एक कोर्स नहीं है, प्लस एक सब्जेक्ट भी है. ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बिल्कुल एक सब्जेक्ट है और जो है कंप्यूटर का जो मार्किंग सेगमेंट है दैट इज 20 to 30 marks हर पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे. आप चाहे किसी भी जो है बैंक का पेपर दे रहे हो, चाहे पीएसयू दे रहे हो, चाहे रेलवे का पेपर दे रहे हो, कोई भी अगर गवर्नमेंट का एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपको 20 to 30 marks कंप्यूटर के वहां पे जरूर देखने को मिलेंगे. ठीक है, मेन एम इसका जो है मैंने जैसे बताया कि जो भी लेमैन है, बिल्कुल जिनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको जो है एक आईटी साक्षरता जो जो हम एक हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोवाइड करना. ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं इसको जो है कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो इसका ऑर्गेनाइज नाइलेट. ठीक है, नाइलेट जो है गवर्नमेंट बेस्ड एजेंसीज हैं जो ट्रिपल सी के फॉर्म को कंडक्ट कराती है. मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी एजेंट या जो है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ना जाएं, बिल्कुल नाइलेट की जो है वेबसाइट है उसके थ्रू ही रजिस्ट्रेशन करें और जो है वहीं पे पेमेंट करके ही इतना ट्रिपल सी का फॉर्म भरें. अगर मैं इसकी बात करूं कि आपको कहाँ रजिस्टर करना है, तो दैट इज स्टूडेंट कि ये जो है नाइलेट की वेबसाइट है, बिल्कुल इसी पे जाकर के ही रजिस्ट्रेशन करना है और जो है आपको वहां पे ऑनलाइन मेथड से फीस पेमेंट करनी है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास आया था कि अगर नाइलेट का अगर कोई बच्चा जिसको बिल्कुल कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो उनको ये पेपर या पूरा कैरिकुलम को रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा, तो दैट इज अगर बीइंग अ टीचर अगर मैं आपको एडवाइस करूं तो अगर आप थोड़ा भी अगर कंप्यूटर के बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं, अगर आप जो है बी अगर आपने की कर रखा है या अगर आप इंजीनियर हैं, तो आपको 1 महीना बहुत सफिशियंट है. नहीं तो अगर आप बिल्कुल भी अगर कंप्यूटर से बैकग्राउंड से रिलेट नहीं करते हैं तो 2 से 2.5 महीना सफिशियंट होता है. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फीस स्ट्रक्चर. फीस क्या है इसकी, अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें 500 रुपीज प्लस जीएसटी. इस 500 रुपीज आपके जो है ऑनलाइन मेथड के थ्रू आप जो है पे कर सकते हैं या जो है चालान के थ्रू भी पे कर सकते हैं. इसमें ऑनलाइन मेथड में आपको जो है डेबिट क्रेडिट दोनों का कार्ड का यूज कर सकते हो आप ये 500 रुपीज पे करने के लिए और जो है आपका जो है फॉर्म फिल हो जाएगा. अगर मैं बात करूं कि जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने आप अटेम्प्ट्स दे सकते हो, तो अगर आपका पहला पेपर अगर जो है प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाता है या अगर आप अपने मार्क्स को और अच्छा इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप जो है इसके नाइलेट का जो पेपर जो है ये ट्रिपल सी का आप जो है मल्टीपल अटेम्प्ट्स में क्लियर कर सकते हैं या मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं. ठीक
ठीक है। अगर मैं मार्किंग क्राइटेरिया की बात करा जाए तो अगर आपका मार्क्स अगर आपके लेस देन 50 है, 50% अगर आपका आ रहा है तो यू विल बी कंसिडर्ड एज फेल, ठीक है। इससे ऊपर अगर आप जैसे जाओगे, अगर आपका परसेंटेज और अच्छा होता चला जाएगा तो ग्रेड आपके और इंप्रूव होते चले जाएंगे। लाइक अगर आप 60-65% के रेंज में रहोगे तो दैट इज आपका डी ग्रेड रहेगा, ठीक है। 70-75% में आपका जो है सी ग्रेड है, देन अबव 75-82 तो आपका जो है बी ग्रेड हो जाएगा, 80-85 दैट इज ए ग्रेड, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है आपका, यानी 100 क्वेश्चंस होंगे वहां पे, ठीक है। 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप जो है दिल खोल के क्वेश्चंस को कर सकते हैं बिना सोचे समझे कि आपका मार्क्स कटने वाला है। यहाँ पे आप बिल्कुल सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट जितना आता हो बिल्कुल उतना ही करा जाए, ठीक है। अगर लास्ट रिजल्ट, अगर रिजल्ट चेक करना है सो सेम वेबसाइट, student.nilet.gov.in, यहां से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू।